जय भोले बाबा जी की। देखिए आज हमने ऑर्गेनिक हल्दी की हार्वेस्टिंग की है। ये देखिए छोटी सी क्यारी में हमने हल्दी बोई थी और ये बिल्कुल ऑर्गेनिकली की तरीके से हमने ग्रो की है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी हमने हार्वेस्टिंग की है। इसको हमें ना एक डेढ़ साल बाद ही हार्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग हल्दी को। जब हल्दी के पत्ते पीले होने लगे तो समझ लो आपकी हल्दी बन चुकी है। तो आप बीज लगाने के बाद कम से कम एक डेढ़ साल के बाद ही इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी हल्दी निकल के आ रही है। इसको हम लोग पूरा निकालने के बाद इसको धूप में सुखाएंगे। पहले इसको पानी में वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको प्रॉपर अच्छे से सूख जाएगी। सूख जाने के बाद इसमें से जो अंकुरित वाली है ना, आप देख सकते हो कुछ आपकी अंकुरित हो रही है, जैसे कि कोई ऐसी निकलती है जिसमें कि अंकुरित है, उसको हम वापस से लगा देते हैं और उस समय वापस से हल्दी मिल जाती है। जैसे ये जड़ वाली है, इनको हम वापस लगा देंगे। और जो इस तरह की हल्दी है जो बिल्कुल क्लीन है, इसको हम लोग धो के धूप में काफ़ी दिन सुखाने के बाद इसको पाउडर बना के यूज़ करते हैं। तो जो हमारी सब्जी बनती है, जो खाना बनता है, उसमें भी हम लोग ऑर्गेनिक सब्जी के साथ साथ ऑर्गेनिक हल्दी भी यूज़ करते हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि जो मसाले हैं वो भी हम ऑर्गेनिकली ग्रो करके ही यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं कि एक डेढ़ साल के बाद आप कितनी हार्वेस्टिंग आपकी निकल के आती है। और सिर्फ इतनी ही नहीं है, नीचे खट के पास और भी हल्दी है जो हमें हार्वेस्ट करनी है। तो आप ये देख सकते हैं और ये देखिए इस तरह से ऑर्गेनिक हल्दी आप लोग घर पर भी ग्रो कर सकते हैं। आप गमले में भी यदि आप लगाएंगे इसको, तो भी आप गमले में एक डेढ़ साल के बाद जैसे कि आप अदरक निकाल सकते हैं या फिर हल्दी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से करके आप घर पे ही ऑर्गेनिक हल्दी ग्रो कर सकते हैं और यूज में ला सकते हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए, गार्डनिंग की कोई भी टिप्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही हो और जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। जय भोले बाबा जी की।